हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ओरिजिन सीरीज। और ये ओरिजिन सीरीज है मून नाइट की, जिसे माना जाता है कि वो कॉपी है बैटमैन की। तो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है, और इसके लिए हमें जानना पड़ेगा उसका ओरिजिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मार्क स्पेक्टर यानी कि अल्टर ईगो मून नाइट का, वो पैदा हुआ शिकागो में, और वो बड़ा होने के साथ साथ एक हैवीवेट बॉक्सर बन चुका था, और उसने यूएस आर्मी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन सिर्फ एक मर्सनरी बनने के लिए उसने यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री छोड़ दी, और उसी के साथ वो एक आदमी के साथ दोस्ती कर बैठा, जिसका नाम था फ्रेंची, जो कि एक फ्रेंच पायलट था। ये दोस्ती उस दौरान हुई जब वो अफ्रीकन मर्सनरी राहुल बुशमैन के लिए काम करता था, जिसने इजिप्ट में जाकर एक आर्कियोलॉजिकल टीम को मार गिराया, और उनमें एक डॉक्टर थे पीटर एलरोन नाम के, और उनकी बेटी मर्लिन भी थी, और उन्होंने खोज निकाला था एक एंशियंट टेंपल जहाँ पर बहुत पुराने आर्टिफैक्ट्स रखे थे, और उनमें शामिल था इजिप्शियन मून गॉड खोंसु का स्टैचू। और ये सब सामान लूटने के बाद उसने डॉक्टर एलरन को मार दिया, और इसके जवाब में स्पेक्टर ने उसे चैलेंज किया पर्सनल कॉम्बैट के लिए, लेकिन बुशमन ने उसे बड़ी ही आसानी से हरा दिया और उसे इजिप्ट के डेजर्ट में मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ इजिप्शियंस जो कि एंशियंट गॉड की पूजा करते थे, उन्हें स्पेक्टर मिला बहुत ही बुरी हालत में, और वो तब मिला जब उसकी कुछ चंद सांसें बची हुई थी। तब उन्होंने उसे खोंसु के स्टैचू के सामने लेटा दिया, और तब खोंसु ने उसे एक विजन दिखाया और स्पेक्टर को ऑफर किया सेकंड चांस उसकी जिंदगी वापस देकर, इस बदले में कि वो धरती पर गॉड का अवतार बनकर काम करेगा। जब स्पेक्टर जागा तब उसने सिल्वर श्राउड जो कि खोंसु के स्टैचू के ऊपर था वो लपेट लिया, और बुशमन के सामने जाकर खड़ा हो गया, और बुशमन को हरा कर वो अमेरिका वापस आ गया मर्लिन, फ्रेंची और स्टैचू ऑफ खोंसु के साथ, और उसने ये तय किया कि वो क्राइम फाइटर बनेगा। और स्पेक्टर ने एक सिल्वर क्लॉकर कॉस्ट्यूम डिजाइन किया जो कि बेस्ड था सिल्वर श्राउड पर, और वो बन गया मून नाइट, जो कि था द फिस्ट ऑफ खोंसु।